नमस्कार, मैं अनुपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में एक्सीडेंट के दौरान दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उमरिया जिला मुख्यालय के पाली रोड पर होंडा एम्पाइक एजेंसी के सामने ऑटो रिक्शा पर बोलेरो वाहन की आपसी टक्कर में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों के परिजनों ने बताया कि हम ऑटो रिक्शा में बैठकर नेगमा टोला मोहल्ले में अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। उसी दौरान तेज गति से बोलेरो आ रही थी और अचानक बोलेरो चालक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए एवं सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वही ड्यूटी डॉक्टर ऋचा गुप्ता ने बताया कि दर्जनों लोगों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं बोलेरो वाहन को जब्त करते हुए वाहन चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं जांच कार्रवाई जारी है। इन दिनों जिले के एक्सीडेंट की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जहां यातायात नियमों का पालन न करना व नशे की हालत में तेज गति से वाहन चलाना ही एक्सीडेंट होने की मुख्य वजह है। पीसी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। मैं स्टेशन से 3-4 ऑटो हम लोग बुक करके नेगमा टोला जा रहे थे। जाते समय तेज रफ्तार सामने से पिकअप वाला आ रहा था। मेरे आगे चलने वाली गाड़ी को उसने ठोकर मारने से बचाया और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने मुझको ठोकर मारते हुए आगे निकल गया। जैसे ही थोड़े आगे पहुंचा, पीछे वाला ऑटो वाला भी रुक गया, आगे वाला भी रुक गया। मेरी गाड़ी में 6-7 सवारी मौजूद थी, उनको भी ठोकर लगी सर, मुझको भी लगी। तेज रफ्तार से आया और सीधा ठोकर ऑटो में मारा, जिससे जो ऑटो चला रहा था उसको गंभीर चोट आई है और पिकअप ड्राइवर को पकड़ के ले गए। तो मैं जो सवारी बैठी थी उसकी भी गंभीर चोटें आई हुई है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जा रहे थे सर स्टेशन से, मामा जी के यहाँ जा रहे थे अपने, और हम लोग जा रहे थे, जैसे मतलब गाड़ी रही, हम लोग ऑटो पे एकदम सामने से ही चढ़ाई सर, और हम लोग 8 लोग उसमें बैठे थे और सब के सब घायल हो गए थे सर। हम लोग तो देखते हैं, मतलब सब बेहोश हो गए, कोई इधर हो गया, कोई उधर हो गया, मेरा पूरा मोबाइल मतलब बिखर गया रहा सर, और अब एकदम से बहुत घायल। हमारे चाचा जी ऐसे दबे हुए थे ऑटो में, उनको एकदम भयानक तरीके से निकाले, पूरा टूट फूट पूरा ऑटो हो गया। बोलेरो चालक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है सर, और हम लोग उसको पकड़े भी थे सर, वो भाग रहा था, हम लोग बहुत उसको पकड़े थे। एक ऑटो को टक्कर मार दिया और बहुत जोरदार टक्कर मारा, उसमें दोनों ही उसमें करीब 8-10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जिला अस्पताल उमरिया में उनका उपचार चल रहा है। ये तो रोज आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं मेरे हिसाब से कि जो परिवहन नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है और ये बार बार हो रहा है और ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि एक्सीडेंट से जो मरने वालों की संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बहुत जान माल का नुकसान हो रहा है। इसके बाद भी काफ़ी प्रयास करने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आजकल के जो ड्राइवर हैं उनको लाइसेंस देने के पहले वो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसके बाद ही आरटीओ से उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो माइनर एज के भी होते हैं और उनके पास गाड़ी के जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, वो गाड़ी चलाने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं और गाड़ी चला रहे हैं। इसको देखना पड़ेगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये बहुत सर, हम लोग बिरसिंहपुर पाली से आ रहे थे जिला उमरिया, मेरी मामी खत्म हो गई थी तो हम लोग 10-8 में जा रहे थे, वहाँ से ऑटो वाले, हम लोग ऑटो में पीछे थे, मैं आगे थी, तो आगे वाले कट मार के वो निकाल लिए, लेकिन पीछे वाले को ये जो है ना कौन सी गाड़ी है वो ठोक दिया पूरा, और मेरे चाचा जी को पूरी तरह से टप गए, बहुत चोट लगी सबको, मेरी उसमें बुआ चाची सब थे, कैसो मैसो उनको निकलवाए, फिर 108 एम्बुलेंस बुलाए, हॉस्पिटल भेजे। ताजी घटना है, अभी होंडा एजेंसी के सामने अभी एक टैक्सी और बोलेरो के साथ में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें करीब दर्जनों लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन वो जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, उनका उपचार चालू है। मेरा यही कहना है कि इनको व्यवस्थित करने के लिए कोई कड़े कदम उठाएं जिससे ये गतिविधियां रोकी जा सके। खलेसर के पास एक एक्सीडेंट की घटना में
कई लोग ऑटो में सवार थे जो कि घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय उमरिया लाया गया है। इनमें अशोक वर्मा, मिथिलेश, किरण, मीनू, मेनका और मुन्नी, ये सभी लोग उस ऑटो में थे जिन्हें की कुछ न कुछ चोटें आई हैं और जिला अस्पतालों में लेकर आया गया।